Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, चल रहा है पिक्चर पांडे, और इस समय मेरे साथ में रश्मि रॉकेट. तो इसमें रश्मि जी रॉकेट बनने जा रही हैं. तापसी पन्नू इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं, एंड कौशल मुनीर को कौन नहीं जानता है. कौशल कहाँ बैठी हुई हैं आप? ये सबसे पहला सवाल होता है सबका. ये कश्मीर में हूँ मैं. तो जला रही हूँ सब कुछ में. नहीं देखो, हम रश्मि रॉकेट का प्रचार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कर रहे हैं. तापसी आप कहाँ बैठी हैं? आप कहाँ पे हैं? घर में. अरे सही वक्त, सही वक्त में बैठी हूँ. सही वक्त में, वही तो मैं देख रहा हूँ, वक्त पीछे नजर आ रहा है. ये मेरा फेवरेट स्पॉट है. अच्छा, ज़ूम कॉल करने का. सबको टाइम दिखता रहता है पीछे, देखो. अच्छा, सही टाइम चलता रहता है. आई नो, टेक्निकली भी कुछ सही बनाया गया है ना. ओके, तो कौशल मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म की राइटिंग के बारे में बात करूं मैं, एक बहुत ही खूबसूरत, ऑलरेडी आपको तो खैर बहुत बड़ा काम है इंडस्ट्री में, वो ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या है ओवरऑल कहानी के देखा जाए तो क्या है कहानी इसकी? तो मैं फिल्म की राइटर नहीं हूँ. फिल्म के राइटर हैं अनिरुद्ध गुहा और कनिका ढिलन ने डायलॉग किए हैं. तो कहानी का और श्रेय और फिल्म लिखने का श्रेय उन्हें जाता है. मैं गानों की बात कर सकती हूँ जो मैंने लिखे हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल जो ये कहानी है वो एक स्प्रिंटर की, एक एथलीट की कहानी है, एक औरत की कहानी है जो वैसे भी कई मुश्किलों से गुजरती है, क्योंकि वैसे भी औरत होना, एथलीट होना इस देश में, इस दुनिया में मुश्किल काम है. और उसके ऊपर से जेंडर टेस्टिंग का एक क्या कहते हैं, तलवार लटका दी जाती है रश्मि के करियर पर, और वो उसका सामना कैसे करती है. और वो जो जद्दोजहद की बात है, जो स्ट्रगल की कहानी है, वो तापसी से बेटर कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि वो रश्मि बनने में भी तापसी ने उतनी ही मेहनत की है. तापसी, मैं देख रहा था वीडियो, आपने रश्मि के कैरेक्टर आने के लिए कितनी मेहनत की, पूरा वीडियो मैंने देखा. तो देखिए, हर फिल्म के साथ एक नई कहानी जुड़ जाती है, तो इस फिल्म के साथ, इस कहानी के साथ शूट के दौरान क्या एक नई चीज आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया आपने जो पहले कभी नहीं किया था? हर रोज ट्रेनिंग के और शूट के, हर रोज जब खत्म होता था दिन, मैं एक बारी भगवान को जरूर शुक्रिया अदा करती थी कि मैं एथलीट रियल में नहीं हूँ, ये पिक्चर है सिर्फ. मेरे को रियल में रेस ट्रैक पे नहीं दौड़ना है. मैं बहुत खुश हूँ इस बात को, मतलब रोज महसूस करके कि ये सिर्फ पिक्चर है. ये लगता था मुझे हर दिन. ये जो स्ट्रगल थी मेरी रश्मि के कैरेक्टर में आने में, एक एथलीट, एक स्प्रिंटर की तरह देखने में, वो ऐसी थी कि मैं दोहराना नहीं चाहूंगी. बहुत बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब कुछ और चैलेंज लेंगे अगली बारी, ये वाला दोबारा इस टाइप का तो नहीं हो पाएगा. तो वो ऐसे ऐसे दर्दनाक समय से मैं गुजरी हूँ ये इस कैरेक्टर में आने के लिए, जो कि मतलब एक बारी बड़ा मन था इस तरह की बॉडी बनाऊं. एथलीट्स को देखती थी तो वाओ फीलिंग आती थी, एक तरह के हीरोइक तरीके से मैं उनको, मेरा नजरिया बड़ा उनको देखने का बड़ा वो है कि ये हीरो है हमारे, रियल हीरो है हमारे. तो वो एक बारी करने का मौका मिलता है रियल में तो फील तो अच्छी आती है, बट जो मतलब बैंड बजी है वो करने के लिए, वो मैंने कहा बस हो गया, मेरा स्पोर्ट्स कोटा खत्म करो अब. तो आपसे अगर मैं देखा जाए तो बॉडी के मामले में इतनी मेहनत की तुमने, तो हमारे हिंदुस्तान में जो एक्टर्स है सबसे बेस्ट बॉडी कौन सी लगती है आपको? आप एक्टर्स, अगर आप फीमेल एक्टर्स की बात करें तो मैं आपको बता सकती हूँ. मैं एक्टर्स में, मैंने मतलब मैं ना मसल से बॉडी नहीं जज करती, मैं बॉडी जज करती हूँ कि किस में एक्चुअली में कितनी जान है. और मैंने क्योंकि सबके साथ काम नहीं कर रखा, मैंने सबकी रियल स्ट्रेंथ कैपेसिटी जो है करने की नहीं देख रखी. मैंने सिर्फ अक्षय सर के साथ, एक ऐसे वो एक्टर है जिनके साथ काम किया, जिनकी मैंने एक्चुअली में देखा है कि उनकी रियल बॉडी स्ट्रेंथ, वो स्पॉन्टेनियसली बहुत ऐसे करतब कर जाते हैं जो मतलब इंसान को देख के लगता है कि इसके लिए तो काफी ट्रेनिंग की जरूरत होगी. तो वो उनको मैंने देखा है पर्सनली, तो बोल सकती हूँ मेल एक्टर्स में से. और फीमेल एक्टर्स में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉडीज आई जेन्युइनली फील विद प्रॉपर वर्कड आउट हार्ड वर्क वाली बॉडी जो है वो है अगर किसी की, तो वो है जैकलिन की. यस, एब्सोल्युटली. कौशल आपने पूरी फिल्म देखी, इसको देख ली? नहीं देखी आपने? जी देखी, पूरी फिल्म देख ली. तो मैं फिर से आता हूँ राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आता हूँ कि आपने पूरी फिल्म देखी, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें याद रह जाएंगी, और पूरी फिल्म में क्या ऐसा कमाल है कि यार ये चीज़ से कोई भूल ही नहीं सकता जिंदगी भर, आपके जहन में बस गई वो चीज़?
तो एक पॉइंट आता है रश्मि के करियर में और जिंदगी में, क्योंकि करियर और जिंदगी का बिल्कुल एक 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 यू नो एका है उस रश्मि की लाइफ में, तो वहां पे कि वो मैं कि मैं मात खा जाऊं, मैं हार जाऊं, मैं गिव अप दे दूं जिसको आम भाषा में कहा जाता है, या फिर मैं लड़ूं, क्योंकि ये लड़ाई जो लक्ष्मि की जो लड़ाई है पहले तो अपने आप से है, फिर दुनिया से है, और फिर एक बहुत बड़े सिरे एक एक जेंडर लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड वाला जिसे हम एक फ्रेज कहते हैं, वो एक 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 बड़ा स्ट्रगल होता है, तो हर लेवल पे स्ट्रगल, और वो उस वो जो पॉइंट था, वो जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट था, और उसमें एक तो राइटिंग भी बहुत बढ़िया है फिल्म की, जो जो फिल्म के राइटर्स हैं जैसे मैंने कहा अनिरुद्ध कनिका, और फिर उसमें जो तापसी अपना लेयर लेके आई है, क्योंकि वो बहुत एक ये इस फिल्म में ना दो बहुत अच्छी बहुत एक दो राह एक डुअलिटी है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली वो उसने बॉडी बनाई है एक एथलीट की एक पावरफुल, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रगल्स हैं वो इंटरनल हैं, और उसको ना उसको अदा कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बाहर के स्ट्रेंथ से और बाहर के लुक से फील से बहुत एक्टर्स बोलते हैं कि भाई उसी पे हम खेल जाएंगे, लेकिन वो अंदर की एक वो जो है यू नो विडंबना उसको बाहर पेश कर पाना वो रश्मि ने किया है, यानी कि तापसी ने किया है। तापसी अब तो कनिका के साथ दो तीन फिल्में हो गई अब तो आपकी, है ना, मन मर्जियां जी जी है ना, तो मतलब तो घरों पर हाँ, 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 ऐसा होता है सीन बढ़वा लेती है नहीं मैं उसको नहीं नहीं ऐसा होता होता तो नहीं, अब ऐसा है कि मैं उससे फिल्म लिखवा जरूर सकती हूँ, कि अगर मैं बोलूँ कि अच्छा अच्छा आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो कुछ सोचेगी जरूर इस बारे में, बट उसका ना अपना ही दिमाग काफी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट सा है, तो वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होती उसकी, और मेरी मुझे याद है कई कबार मतलब बहस भी हो जाती है किसी मुद्दे पे, तो वो इस बट एटलीस्ट आई एम वेरी ग्लैड शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन, मतलब इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाती, दैट इज ऑल्सो गुड ट्रेड to have, so वो मुझे कोई complaint नहीं है उस बारे में, but हाँ आगे भी उसके साथ काम करने का मौका मुझे दोबारा मिलेगा I'm sure, क्योंकि एक तो वो जिस तरह के किरदार लिखती है I guess वो ऐसे होते हैं जो काफी लोग मना कर देते हैं करने को तो वो घूम फिर के वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली फीलिंग हो जाती है, कहते तो वो मैं कहती हूँ कनिका देख कोई नहीं करता ना जब तो आके मेरे पास ये तो कर ही लेगी वाला हिसाब हो गया मेरे साथ आपने जैसे अभी बताया कौशल ने कि एक खास उसे स्ट्रेंथ उस समय नजर आती है जब उसके ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो होता ही रहता होगा, जब आपकी कोई तारीफ करता हो, जब आपकी बुराई करता होगा, तो जब तारीफ करता है कोई इंसान तो कैसे रिएक्ट करती हो तुम अपने मन में अपने दिल में? मुझे एक्चुअली मैं काफी ये सोचती हूँ कि मुझे ना कॉम्प्लीमेंट लेना अभी तक ढंग से नहीं आता, हालांकि खुद को कॉम्प्लीमेंट मैं देती रहती हूँ, कोई पूछता है हाउ आर यू मैं बोलती हूँ वेरी ब्यूटीफुल तो वो मैं खुद को दे देती हूँ, बट दूसरे से कॉम्प्लीमेंट लेना ना मुझे थोड़ा सा अपने आप के सामने मैंने थोड़ी सी वॉल रखी हुई है, क्योंकि मैंने अपने आसपास ना स्पेशली इस इंडस्ट्री में लोगों को स्वे अवे होते हुए इतना ज्यादा देखा है अपने सामने कॉम्प्लीमेंट से, या फिर उनके जो तारीफों के पुल लोग बांध देते हैं, नहीं मानते हैं तब भी, तो मुझे ना हालांकि मुझे समझ में आ जाता है कब कौन जेन्युइनली बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रेसफुली थैंक यू और उस टाइम मैं ऐसे कर लूँ, बट मैं उसको ज्यादा दिमाग में जहन में रखू नहीं, तो तभी एक्चुअली मैं लोग जब मुझसे इंटरव्यूज में पूछते हैं आप बताइए आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला, तो मुझे थोड़ा समय लगता है याद करने में, क्योंकि मैं मेरा एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि मैं याद ना रखूं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि किसी दिन कि ये ऐसा ना लगे कि मतलब मैं तो सबसे सही हूँ, मतलब इससे ज्यादा कुछ है नहीं स्कोप लर्न करने का, तो वो वाली चीज जो है ना वो मेरे को बहुत डर लगता है। तो अब तो बताएं तो किन्हीं दो व्यक्तियों ने इंडस्ट्री में जिसने तारीफ की हो आपकी और आपको लगा कि हाय दिल से लगा कमाल कर दिया? नहीं मुझे एक्चुअली मुझे मतलब तारीफ लोग करते हैं बट मेरे को ऐसी कोई तारीफ याद नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा है कि करते नहीं है, लोगों ने करी है तारीफ बहुत प्यारी, अभी लेटेस्ट एक मुझे अगर याद है दिमाग में बता देती हूँ, शुजीत दा का कमेंट था आफ्टर सीइंग द ट्रेलर ऑन माय इंस्टाग्राम पोस्ट के व्हाट इज इट दैट यू कैन नॉट डू, तो एंड देन ही वाज लाइक लेट्स मीट एंड डिस्कस सून दैट व्हाट कैन यू और व्हाट यू हैव नॉट डन और व्हाट यू कैन नॉट डू, तो मतलब दैट वाज अ वेरी 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 स्वीट कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे याद रहेगा। क्या बात है, लेकिन जब बुराई करते हैं ट्रोल करते हैं उनके साथ क्या करती हो आप, ब्लॉक कर देती हो? मैं नहीं नहीं कुछ जो मतलब जो मुझे बहुत ही
ऐसा रोबोटिक हेट लगता है उसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ. बाकी तो बहुत अम्यूजिंग होते हैं. एक तो मैं अपने आप को ना बहुत सीरियसली लेती भी हूँ. मतलब ऐसा नहीं तुमने मुझे चार गाली दी तो मतलब मुझे लगा हाय मेरे को कैसे कैसे बोल दिया. मुझे वो वाली फीलिंग है नहीं. मतलब तुम मुझे कुछ भी बोलते रहो भाई तुम्हारे मुंह से वो निकल रही है शब्द तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हेटेड भरा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. अब चलते फिरते कोई कुछ बोलेगा जो मेरे लाइफ में मायने नहीं रखता मेरे को उसके किसी भी शब्द से क्या फर्क पड़ेगा. मुझे तब फर्क पड़ेगा जब जो जिस इंसान को मैं कुछ समझती हूँ कुछ मायने दे रखे मैंने उस इंसान को अपनी लाइफ में वो कुछ बोले तो मुझे बुरा लगेगा. नहीं तो ऐसे रैंडम लोगों से के लिए मुझे बुरा नहीं लगता. मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेती. सबसे ज्यादा मैं सिर्फ अपने काम को सीरियसली लेती हूँ. कौन सा क्रिटिसिज्म तुमको बहुत दिल में चुभ गया? कौन सा हुआ जब पूरे करियर में मतलब अने मैं पहली फिल्म से लेकर अभी तक बोलूं कि अरे यार ये कैसे बोल दिया इसने यार क्या बोला. क्रिटिसिज्म का या वो ना स्टार्टिंग में लगता था जब मैंने साउथ में काम करना स्टार्ट किया था ना मेरे रिव्यूज वगैरह में ना बहुत ही अनशंट मेरी परफॉर्मेंस के बारे में लिखते थे जो मुझे कुछ हद तक मैं अग्री भी करती थी. मुझे नहीं आती थी एक्टिंग. मैं तो बोलती थी मैं सीख रही हूँ मैंने कभी की नहीं है पहले. मुझे कोई उसमें मतलब ऐसा डाउट नहीं था अपने अपने आप पे कैसे पढ़ा अच्छा किया मैंने. बट मुझे उस टाइम पे लगता था कि जब भी मेरी इंट्रोडक्शन होती थी या जब भी क्रिटिक्स भी मेरे मेरे जो रिव्यू लिखते थे उसमें सिर्फ था कितनी अच्छी दिख रही है. शी लुक ग्लैमरस फिट द रोल टू फिट द रोल शी लुक प्रिटी और मतलब वो सिर्फ एक लुक तक बात रह जाती थी. और इंट्रोडक्शन जाओ अगर किसी इवेंट पे तो वो लुक तक ही सीमित रहते थे. इंटरव्यू में जाओ किसी तो एंकर का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक तुम्हारे तुम कैसे कपड़े पहने तुमने और तुम कैसे दिखते हो उस तक ही रहता था. तो वो मुझे ना कुछ सालों के बाद ना लगने लग गया कि यार ये मतलब मैं इससे बियॉन्ड हूँ. मतलब इस कोई मेरी काम की बात क्यों नहीं कर रहा. तो मैं अगर हूँ ना मैं जिंदगी में कोई भी इंट्रोडक्शन दूं ना तो सबसे लास्ट में खूबसूरती की बात करूं तापसी के बारे में. क्योंकि आई स्वेर पहले तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस बोलो है बहुत कमाल है. इंटेलिजेंट लड़की है. नंबर वन स्माइलिंग फेस है. एक्टिंग कमाल है. थर्ड एकदम नेचुरल एक्टर. सबसे लास्ट में बोलूंगी बहुत खूबसूरत क्योंकि बुरा मत मानना तापसी हमारे आस पास कम से कम 70% लड़कियां रहती है आजकल. आजकल लड़कियां बड़ी खूबसूरत हो गई हैं. मैंने तो खुद ही बोला है. मैं तो बात मानती हूँ ये पूरी. मैं तो इनफैक्ट लोग मुझे कहते हैं कि अगर तुम मतलब तुमने वो वाला रास्ता क्यों नहीं चुना जो रेगुलर हीरोइन वाला होता है. मेरा यही रीजन होता है क्योंकि मुझे अपनी रियलिटी पता है. बहुत सुंदर ड्रॉप डेड गॉर्जियस एक्ट्रेसेस हैं इस इंडस्ट्री में और अपना वो रास्ता है ही नहीं. वहां पे मैं कम्पीट ही नहीं कर सकती हूँ. तो मुझे पता है मेरी रियलिटी. मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ इस मामले में. सो क्यों उस लाइन में घुसना जो हमारा रास्ता ही नहीं है. उधर ऑलरेडी बहुत लगे हुए हैं कंपटीशन में. मेरा अपना अलग है. मैं अपना खुद ही मैं सोलो भाग रही हूँ अपने ट्रैक पे. तुमको क्या लगता है कि तुम और अगर सब एक जैसे हो जाए तो फिर क्या इंडस्ट्री का मतलब. पर हो भी नहीं सकता. मैं पर्सनली बोलूं नहीं मैं पर्सनली बोलूं देखो ऐश्वर्या बच्चन जैसे है ना बहुत कम लड़कियां नजर आएंगी. मैं बहुत सही बात बोलता हूँ. लेकिन 60% लड़कियां तापसी जैसी नजर आती हैं जो डाउन टू अर्थ हैं जो हंसती हैं मुस्कुराती हैं खिल के करती हैं और उनकी हमेशा पीठ सीधी नहीं रहती है हमेशा ऐसे करके बैठती नहीं है. तापसी मतलब तापसी है उसको तो एक्टर है यार. वो एक्टिंग करने आई है ना वो वो मॉडलिंग करने आई है. मैंने गिव अप कर दिया. मैंने कहा ये मुझसे होता नहीं है. बहुत डिफिकल्ट काम है ये एकदम टिप टॉप दिखना 24/7. ये अलग ही तरह का टैलेंट है जो अपने पास है नहीं. तो मैं अपना अपना अलग टैलेंट दिखाती हूँ. तो तुमको किस चीज में लगता है कि तुम प्राउड महसूस करती यार मुझ में ये तीन चीज हैं जो बहुत कमाल है शायद ही किसी में होंगी. ये तो नहीं कह सकती शायद ही किसी में होंगी. बट जिस जो चीज मुझे लगता है कि मैं अपने अपनी प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ और जो मुझे अपनी एक चीज जो जिसपे बहुत कॉन्फिडेंस है वो है लर्निंग एबिलिटी है जो मेरी. मतलब मैं सीख लेती हूँ चीजें जल्दी. मेरे को सीखने की इच्छा रहती है. मैं कभी भी नहीं समझती कि मुझे भी आता है सब. तो वो वाला एटीट्यूड लेके मैं किसी भी फील्ड में नहीं उतरी आज तक. तो ये आई थिंक ये एक ही मेजर है मुझे पता है कि मैं सीखने की जो इच्छा है मेरी उसकी वजह से मैं काफी डिपार्टमेंट में फिर मतलब नंबर ज्यादा आ जाते हैं मेरे इस चक्कर में क्योंकि मैं रेडी रहती हूँ सीखने को. ये बहुत बड़ी बात है. सबसे बड़ा कौशल आई थिंक सबसे बेस्ट चीज यही होती है लाइफ में कि आप सीखने को तत्पर हैं तैयार हैं. दिस इज द बेस्ट. सीखना कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए. सीखना खत्म हो गया तो एक तरह से जिंदगी के पहिए रुक गए ना तो आप वही स्टैग्नेंट हो गए. रिसेंटली तापसी तुमने कौन सी अभी रिसेंटली एक लाइन पढ़ी या देखी या जानी जो तुमको मजा आ गया पढ़ के सुन के या जान के? कौन सी ऐसी लाइन है? ये अभी कौसर ने बोली थी एक पिछले इंटरव्यू में. अभी अभी मेरे को पूरी एग्जैक्टली अभी वर्ड टू वर्ड याद है. कौसर आप बता दोगे तो
ठीक है, मैंने उसको वो फ्रॉइडियन थॉट था जो किसी उर्दू वेबसाइट ने उसका तर्जुमा फ्रॉइडियन थॉट का किया था, वो अपने आप में मुझे बहुत ही गजब की बात लगी। इश्क उर्दू करके कोई वो है चैनल, तहजीब का आगाज तब हुआ जब किसी ने गुस्से में आकर पत्थर की जगह लव से वार किया। हाय हाय क्या बात क्या बात है, पत्थर की जगह लव से, ये बात बिल्कुल सही। मैं हमेशा लोगों को ये भी कहता हूँ कि इंसान को गालियां क्यों देता है, क्योंकि गालियां तब देता है जब उसका बस चलता नहीं है ना, तब वो गालियों में रहता है इंसान, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपको जिंदगी में गाली नहीं दोगे, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर दोगे ना। करेक्ट, हाँ। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो बोलते 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 आप गाली देने लगते हो कि तेरे को समझ में नहीं आता है, तुम ये तो साले कमीने। तो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन होती है मोर देन एनीथिंग एल्स कि आप ही फ्रस्ट्रेशन, आपसे कैसे नहीं हो रहा है ये। Absolutely, absolutely, absolutely. मैं तो कम्युनिकेशन का आदमी हूँ, वॉइस का आदमी हूँ, कम्युनिकेशन का मैं मतलब कम से घंटों बात कर सकता हूँ। कि हमारे पूरी दुनिया में 40% जो कंफ्यूजन है, जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, सब 40% सिर्फ कम्युनिकेशन कारण हो रहा है। प्रताप सिंह क्या बोला, पिक्चर में भी लाइन है, बात करके सारी पिक्चर में भी लाइन है ये कि चीजें बात करके भी तो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो रश्मि का एक आर्मी ऑफिसर है पिक्चर के अंदर, आकाश खुराना जो किरदार निभा रहे हैं उसको, वो बोलते हैं कि बातचीत करके भी तो मैटर सॉल्व हो सकता है, तो वो बोलते हैं बातचीत करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गए वर्ल्ड के, तो किसी भी कंट्री को आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइन रश्मि मारती है फिर एक आर्मी ऑफिसर को जो उसे टिपिकल रश्मि के स्टाइल में, तो ये मुझे ये लाइन उसकी याद दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, तभी तो इसी से प्रॉब्लम्स हैं। ओके, जाते जाते मैं चाहूंगा, मोटा मोटी तो खैर कहानी बताई दी है, लेकिन आप तापसी क्या बोलना चाहेंगे, दो या तीन पॉइंट में अगर समराइज करना चाहेंगे इस पूरी फिल्म को। जी, समराइज तो मैं पता नहीं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो ट्रेलर में भी आपने कहानी का एक ही पहलू देखा है, दूसरा पत्ता हमने खोला नहीं है कहानी का जो आपको पिक्चर देख के पता चलेगा। तो इतना ही बोलूंगी कि एक एथलीट की स्ट्रगल तो आपने बहुत देखी है, काफी पिक्चरों में हमने दिखाई है एक रेगुलर एथलीट की, एक फीमेल एथलीट की एडिशन और एडिशनल स्ट्रगल्स क्या होती है रादर देन रेगुलर स्ट्रगल्स जो हो उसके ऊपर क्या होता है, वो इस पिक्चर में दिखाया जो आपने शायद किसी और पिक्चर में पहले कभी देखा नहीं होगा। आपके लिए बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन एथलेटिक वर्ल्ड के अंदर कैसे होती है। बेसिकली इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर योर आइडेंटिटी, मतलब जो आप हैं आपको वो होने का हक है, आपको कोई ये नहीं बोल सकता आप बदलो तभी आप एक औरत कहलाओगी। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट एक्सपेक्ट करता है, अथॉरिटीज एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर आपको औरत की कैटेगरी में भागना है तो आप इंजेक्शन लेके अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल लो कर लीजिए, आप सर्जरी करा के अपने बॉडी के पार्ट्स चेंज करिए तभी आप औरत की कैटेगरी में भाग पाएंगी। इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए किसी आइडेंटिटी के। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी का मुद्दा है जो ये पिक्चर उठा रही है कि आप जो है आपको वो होने का हक है। क्या बात है। और सर गाने तो मैंने सुने हैं, मतलब क्या लग रही है तापसी, ओफ माशाल्लाह घाघरे में और इसमें बहुत कमाल लग रही है। तो इन गानों में कौन सी लाइन तुम्हें बहुत पसंद है जो तुमने लिखी है? मुझे वो रणमा कच्छ एक गाना है हमारी फिल्म का, और उसमें ये लाइन है कि केसर कुमकुम देश रे बड़ा हरा भरा सा लागे, जनमन गण को साथ लेकर भागे। तो इसमें मेरी हमारी कोशिश रही है कि हम पूरी देश की बात यू नो एक इत्मीनान से प्यार से कह सके। क्या बात है। बहुत सारे तापसी इस समय मौजूद हैं जो एथलीट हैं जो आपकी फिल्म देखने आएंगे और जो देखेंगे बैठ के घर में, तो उनको क्या बोलना चाहोगी? क्योंकि यार हमारे एथलेटिक्स का मामला, चलो फिर भी अभी तो भाला फेंक में हम लोग कुछ आ गए हैं, एथलेटिक की बातें चल रही हैं ओलंपिक कारण, अदरवाइज तुम क्या बोलना चाहोगी इसको लेकर? मैं ये पहले तो मैं इससे थोड़ा सा मतलब वेट करूंगी कि जो एथलेटिक वर्ल्ड के लोग हैं वो देख के उनको अच्छा लगे, क्योंकि उनको ऐसे ना लगे कि मतलब जस्ट पिक्चर बनाने के लिए एथलीट दिखा दिया है। तो आई एम होपिंग कि उनको थोड़ा सा अपनी झलक लगे ऐसे पिक्चर में। दूसरा मतलब मेरे को एक्चुअली सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट अभी तक का हिमा से मिल चुका है। जब उसने पिक्चर का ट्रेलर देख के बोला था कि यू रियली लुक लाइक एन एथलीट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। तो हिमा दास से अगर ये कॉम्प्लीमेंट मिला है तो आई एम रियली लाइक ऑलरेडी ऑन अ हाई राइट नाउ। और बाकी एथलीट्स भी देख के जो रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आई एम वेटिंग फॉर रिटायरमेंट, मतलब मैं अभी कुछ प्री नोशन मैं एक्सपेक्टेशन लेवल रख के नहीं बैठना चाहती, वरना फिर डिसअपॉइंटमेंट भी खुद को ही होती है। तो इसलिए देखते हैं जब वो जो बोलेंगे सर आपको। 15 अक्टूबर Z5।
दशहरा, दशहरा आज आप रश्मि के साथ मनाएंगे इस बारी दशहरा। घड़ी कुल चोरी, घड़ी कुल चोरी। तो चलिए जी, रश्मि रॉकेट दशहरा के वक्त आ रही है, आप लोग जरूर देखिए Z5 पर और एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।